अभी मॉनसून सीजन है, इसमें अरबी बहुत ही ज़्यादा फलता है। तो ये देखिए, आज बागान में अरबी का पत्ता बहुत ही टेंडर पत्ता है। ये मैंने उसे 6-7 पीस तुड़वा लिया, और देखिए इसको पीछे की ओर से जो डंठल है इसे हमें कट करके अच्छे से हटा देना है। और बहुत टेंडर है तो इसके साइड में रेशा बहुत मोटा नहीं है। अगर आप बड़े पत्ते लेते हैं तो साइड से भी उसे हटाएंगे। देखिए मैंने बीच के हटा दिए हैं, साइड से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। और उसके बाद अब अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का मैंने थोड़ा पेस्ट कूट कर बना लिया है। और बेसन में उसे डालकर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा अजवाइन के साथ गाढ़ा घोल तैयार कर लिया। और पत्ते को पीछे की ओर पलट कर मैंने रखा। और देखिए मैंने अभी किस साइज शेप से रखा है, ऊपर से नीचे की ओर एक शेप दिया है। और जब हम इस पर दूसरा पत्ता रखेंगे तो सीधे उसको पलट के रखेंगे, यानी ट्रायंगल जो हमारा अभी ऐसा है वो उलट जाएगा, ट्रायंगल का शेप ऊपर से हो जाएगा इस तरीके से। देखिए तो ये ही इसमें करना है, एक बार इधर ही से एक बार उधर ही से ट्रायंगल शेप हमारा शेप बनता जाएगा। और हर पत्ते के पीछे की ओर हमें डंठल हटा के और इस बेसन के लेप को लगा देना है 1 बाय 1, कम से कम 6-7 लेयर। मैं बहुत ही टिंडर पत्ते ली हूँ इसलिए मेरे रोल बहुत पतले बनेंगे। आप ज़्यादा पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, बड़े पत्ते लेंगे तो बड़े बड़े रोल बनेंगे। तो मैंने यहाँ घर में था, बहुत ही ताज़ा पत्ता था तो बिल्कुल तोड़कर मैंने बनाया है। और देखिए अब हमारा लगभग सारा पत्ता बन गया और अब हम इसे रोल बना रहे हैं। इसे रोल बनाने के बाद देखिए इस तरीके से अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाए और इस गोलाई में हमें इसके रोल बना लेने हैं। तो मेरा ज़्यादा मोटा नहीं रोल है क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा पत्ता लिया था। और इस तरीके से स्टीम कर लेंगे 15 मिनट, और अच्छे से पक जाने के बाद उसे रोल कट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से इसे कट करते जाना है, और देखिए कितना अच्छा लेयर्स वाला कट, और अंदर से ये बेसन भी पूरा स्टीम होके पक चुका है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो अब सरसों तेल, ध्यान रहे इसमें सरसों तेल, बिल्कुल ये फिश वाले टेस्ट देता है, तो इसे सरसों तेल में ही हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद देखिए इसे निकाल लेना है। और अब हमने जो इसमें मसाला तैयार किया है, सबसे पहले जीरा, सरसों, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च का इसमें फ़ौरन डालकर, जीरा, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा प्याज और सरसों का सीड्स डालकर इसका पेस्ट बना लिया और फ़ौरन में डालकर भूना। और भूनने के बाद इसमें टमाटर डाला, ऐड किया नमक, हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और इसकी ग्रेवी बन गई। उसे मैंने पकने दिया ग्रेवी को पहले पानी में अच्छे से, उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने अरबी का पकौड़ा। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।